हिंदू धार्मिक मान्यताओं में तुलसी जी का काफ़ी महत्व माना जाता है। तुलसी माता की पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने में मदद मिलती है। यह पौधा लगाने और इन्हें पूजने से सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वहीं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और कुछ नियमों का ध्यान भी रखना चाहिए। तुलसी पूजन नियम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को हर रोज जल देना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को स्पर्श ना करें। वहीं रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में भूल कर भी जल ना चढ़ाएं। एकादशी और रविवार के दिन माना जाता है कि तुलसी माता प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इन दोनों दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। वहीं शास्त्रों की माने तो सूर्य के अस्त होने के बाद तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। तुलसी पूजा विधि। सुबह उठने के बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाएं। अब इन्हें सिंदूर लगाएं और लाल या गुलाबी रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के पास घी का दिया जलाएं। घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशियाँ लाने के लिए शाम के वक्त भी तुलसी जी के पास घी का दीपक रखें। तुलसी स्त्रोत का पाठ करने और तुलसी की विधिवत पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर की बरकत के लिए तुलसी पर चढ़ाएं ये चीज़ें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। तुलसी के इस चमत्कारिक पौधे को देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। मानता है कि यदि आप तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कैरियर में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। घर में हमेशा शांति बनी रहती है और कष्टों का नाश होता है। हालांकि इन परेशानियों से बचने तभी संभव है जब आप विधिपूर्वक तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं। वैसे तो ये उपाय सबसे अधिक असरदार गुरुवार और शुक्रवार को होते हैं। आइए उन्नाव के ज्योतिषचार पंडित ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानते हैं घर में तेजी से बरकत लाने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ उपाय। घी का दीपक अर्पित करें। ज्योतिषचार्य के मुताबिक शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना जरूर चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही ग्रह भी दूर होते हैं। सुहाग का सामान चढ़ाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में आने वाली दोनों एकादशी की तिथि पर तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीज़ें जरूर चढ़ाना चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, साथ ही जातक की मनोकामनाएँ भी पूर्ण करती हैं। गन्ने का रस चढ़ाना शुभ। ज्योतिषचार्य के मुताबिक हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहेगी, जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कच्चा दूध चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। वैसे तो कच्चा दूध गुरुवार और शुक्रवार को ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन एकादशी की तिथि को भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना फलदायक होता है। ऐसा करने से जातक का दुर्भाग दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही तुलसी के पौधे को हमेशा कलावा से बांध कर रखना चाहिए। नियमित जल चढ़ाएं। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए घर में तुलसी पूजा जरूर करना चाहिए। तुलसी की विधि विधान से पूजा के बाद नियमित जल भी चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर परिवार पर धन की वर्षा करेंगी। तुलसी माँ पर जल चढ़ाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। सुबह सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करना चाहिए।
और जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी में जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम। ओम मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को 11 से 21 बार जाप करने से धन का लाभ होता है। दूसरा मंत्र ओम शुभदाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से बुरी नज़रों से छुटकारा मिलता है। तुलसी में जल देते समय इस मंत्र को बोलने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा इस मंत्र के उच्चारण से रोग शोक मिट जाते हैं। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तोम नमस्तुते। बस ख्याल रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही पत्ते उतारना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।